इन गर्मियों में ठंडे ठंडे मैंगो कस्टर्ड का मज़ा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शानू और आज मैं आपके साथ मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो भी बिना कस्टर्ड पाउडर के, कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए आप 1 लीटर दूध लीजिए, उसको गैस पे चढ़ाइए। ये फुल फैट क्रीम वाला दूध होना चाहिए। अब मैं इसमें 1 चम्मच मलाई ऐड कर रही हूँ, और जब आप मलाई ऐड करें तो आप इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए। कंटिन्यूसली आपको उसको चलाना है। जब दूध हल्का सा ल्युकवार्म हो जाए तब आपको 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के लेने हैं। उसमें ऐड करने हैं आपको ल्युकवार्म दूध के 6 से 7 चम्मच। अब इसको अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाना है, एकदम लम फ्री। हम कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर वनीला में आता है, वो वनीला वाला फ्लेवर देता है और ये टेस्टलेस होता है। यू कैन सी इतना स्मूथ बैटर बन गया है। अब इसको हमें दूध में डालना है। डालते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको। एक हाथ से आपको दूध हिलाना है और दूसरे हाथ से आपको पतली धार से ये कॉर्नफ्लावर का पेस्ट डालते जाना है। ये हम इसलिए करेंगे, अगर हम एक हाथ से उसको हिलाएंगे नहीं तो उसमें लम्स आ जाएंगे दूध में और गुठलियाँ पड़ जाएगी। इसलिए आपको एक हाथ से हिलाना है, दूसरे हाथ से वो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डालना है। बहुत ही अच्छा वेलवेट जैसा कस्टर्ड बनेगा, ट्रस्ट मी। अब दूध को 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का गाढ़ा पड़ने लग गया है। आपको इसको लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टर करना है। अब मैं इसमें केसर, जो मैंने आधे घंटे पहले भिगोई थी, डाल दूंगी। करीब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें केसर का पानी डाला है। आप देख सकते हैं केसर ने कितना प्यारा येलो कलर छोड़ दिया है हमारे कस्टर्ड में। आप देख सकते हैं इसको उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये गाढ़ा पड़ने लग गया है। हमें मीडियम या लो फ्लेम पे ही इसको चलाते रहना है। केसर डालने के 10 मिनट बाद अब मैं इसमें शक्कर डालूंगी। 1 लीटर दूध में करीब 120 ग्राम शक्कर लगेगी, लेकिन पहले मैं 100 ग्राम ही डाल रही हूँ। थोड़ी सी शक्कर मैंने बचा ली है, अगर मुझे लगेगा कि इसमें और मीठा चाहिए तो मैं और डाल दूंगी। शक्कर डालने के बाद ये कस्टर्ड थोड़ा पतला पड़ जाता है, इसलिए आपको अगले 10 मिनट के लिए और पकाना है। टेस्ट करने पर मुझे थोड़ी शक्कर और कम लग रही है, तो वह मैं बची हुई शक्कर भी इसमें ऐड कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इस कस्टर्ड को लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी और कंटिन्यूसली स्टर करूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कस्टर्ड हमारा बना है, सेम वनीला फ्लेवर जैसे जो कलर आता है ना, वैसा ही नेचुरल कलर आया है इसका। हमारा कस्टर्ड रेडी है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इन दिनों गर्मियां बहुत है, इसलिए मेरे पास टिप है, परात लीजिए, पानी भर दीजिए उसमें और अपना कस्टर्ड उसमें रख दीजिए। इससे जो हमारा कस्टर्ड है जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। आप देखिए कितना गाढ़ा कस्टर्ड बना और कितना लम्प फ्री कस्टर्ड बना है, एकदम स्मूथ। अब आप इसको जाली से ढक लगा दीजिए। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैंने इसमें 1 आम की प्यूरी ऐड कर दी है। याद रखिएगा, आम की प्यूरी में आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, सिर्फ मैंगो को मिक्सी में अच्छा सा पीसना है और इसको कस्टर्ड में मिक्स करना है। अब मैं इसको ब्लेंडर के साथ मिक्स कर दूंगी, क्योंकि आम की प्यूरी बहुत गाढ़ी होती है, क्योंकि हमने उसमें पानी ऐड नहीं किया था और कस्टर्ड ठंडा होने के बाद थोड़ा सा उसमें गुठलियाँ पड़ जाती है, तो उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने ब्लेंडर यूज़ किया है। ब्लेंडर चलाने से वो एकदम वेलवेट जैसा स्मूथ बन जाता है, और आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी गाढ़ी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि हम इसमें जब फ्रूट ऐड करेंगे तो वो कंसिस्टेंसी बैलेंस हो जाएगी।
दोस्तों, मैंने इस कस्टर्ड में 2 आम काट के डाल दिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक आम काटे हैं। और आप कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी है। इसी तरह अगर आप कस्टर्ड बनाएंगे तो बहुत अच्छा कस्टर्ड बनेगा। अब दोस्तों, मैं इसमें एक अनार ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो बनाना ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप मत कीजिएगा क्योंकि एक मैंगो का अलग ही टेस्ट आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब इसको मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रीज में रख दीजिए करीब 3 से 4 घंटे के लिए, एकदम ठंडा होने दीजिए, फिर हम इसको सर्व करेंगे। अब हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है और रेडी टू सर्व हो गया है। अब इसको सर्व करते हैं। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी एक बाउल में। याद रखिएगा दोस्तों, ये एकदम चिल्ड होता है तभी अच्छा लगता है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए कितना स्मूथ बना है, लम्प फ्री बना है। अगर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा कस्टर्ड बनेगा। अब इसके ऊपर से मैं कुछ अनारदाने गार्निश कर दूंगी और खाने में बहुत अच्छा लगता है ये। अब मैं इसमें थोड़े पिस्ता ऐड कर दूंगी और अब ये खाने के लिए रेडी है। एकदम यमी लग रहा है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इन्जॉय कीजिए समर में ठंडे ठंडे मैंगो कस्टर्ड को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।